आने वाली 15 मई यानी कि दिन मंगलवार को देश भर में शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन कुछ अचूक उपाय करके भी आप शनि के प्रकोप से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन केवल दो उपाय करके आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं। आपको बता दें, शनिदेव साढ़े साती और ढैया के समय ही जातक को उसके कर्मों का फल देते हैं। यह समय साढ़े सात साल और ढाई साल का होता है। शनि के इस प्रभाव के काल क्रम में जातक शनिदेव जातक के उन्नति की राह में आकर खड़े हो जाते हैं, जिस कारण सभी कार्य रुकने लगते हैं। लेकिन शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए शनिवार को किया गया यह उपाय रामबाण साबित होता है। इसके लिए आपको केवल शनिवार को यह उपाय करना शनि की साढ़े साती और ढैया से बचाएगा। ये उपाय न केवल शनि के प्रकोप के लिए कवच बनकर आपकी रक्षा करता है, बल्कि शुभ फलदायक भी साबित होता है। शनि का यह उपाय बिल्कुल सरल है, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं शनि का बीज मंत्र क्या है। सबसे पहला उपाय शनि के बीज मंत्र का जाप करना है। यह बीज मंत्र है ओम प्रा प्री प्रौ सा शनि शनिश्चराय नमः। शनि के इस बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र जाप शनिवार को विशेष लाभकर होता है। यह मंत्र कवच की तरह शनि की क्रूरता से आपकी रक्षा करेगा। चलिए आपको शनि स्रोत के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद शनि के स्रोत का पाठ करना अच्छा माना जाता है। यह स्रोत है नमस्ते कौण संस्थाय पिंगलाय नमस्तुते, नमस्तुते विष्णु रूपाय कृष्णाय च नमस्तुते, नमस्ते रौद्र देहाय नमस्ते कालकायजे, नमस्ते यम संगाय शनिचरय नमस्तुते, प्रसादम कुरु देवेश दीनस्त प्रणस्त चया। शनि के इस स्रोत का पाठ करने से शनि के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इससे बेहतर कोई स्रोत नहीं है। इस स्रोत का कम से कम 111 बार पाठ जरूर करें। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।